हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों के लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन के बेस्ट प्रैक्टिस सेट, जो आपकी किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हर एक स्टेट का फिजिकल एजुकेशन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस है सेम है, बस थोड़ा मोड़ा फर्क है। एंड उन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे सभी वीडियोज हैं, चाहे थ्योरी सेशन हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, सभी चीजें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जो मध्य प्रदेश टेट का एग्जाम जल्दी होने वाला है और यूपी टीजीटी का आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो उसका भी एग्जाम जल्द ही आएगा, अब इंतजार खत्म होने वाला है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन है कि क्षमता प्रमुख खेलों में खुराक में इसकी विपुलता होनी चाहिए। क्षमता प्रमुख यहाँ पे कहने का मतलब है एंड्योरेंस वाले, सहनशीलता वाले प्रमुख जो खेल हैं उसमें किसकी विपुलता यानी किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स की। वही बॉडी बिल्डिंग मसल्स डेवलप करने की बात कहेगा तो प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में किसका खाद्य मूल्य अधिक है। यहाँ पे है ऑप्शन सफेद अंडे का कि भूरे अंडे का कि ए बी दोनों का कि बत्तख के अंडे का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों का, सफेद अंडा और भूरे अंडा दोनों का खाद्य मूल्य क्या है, अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है। जैसा कि आप कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं, मानव शरीर में पानी का जो परसेंटेज है वो 70% होता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए पानी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है। तो यहाँ पे आमाशय और लार ग्रंथियों में जो होता है पानी का प्रतिशत 90 से 95% तक होता है। नेक्स्ट है, अस्वास्थ्यकर भोजन पैटर्न से यह नहीं होता है। ऑप्शन है रक्त क्षीणता यानी एनीमिया, अस्वास्थ्यकर भोजन लेंगे तो रक्त की कमी होगी, एनीमिया होगा, रक्त क्षीणता होगा एंड दांतों के में कैरिस हो जाएगा, मोटापन यानी मोटापा बढ़ेगा, तो इसमें कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है एड्स, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, 50 किलोग्राम वजन वाला एक व्यायामी जो 2 घंटे प्रशिक्षण लेता है उसकी आवश्यक खुराक क्या होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका 2410 कैलोरी दिया है, बट यहाँ पे ये नहीं हो सकता क्योंकि वो सामान्य काम करने वाले के लिए होता है। जो 50 किलो वजन वाला व्यक्ति है, 2 घंटे प्रशिक्षण ले रहा है, तो उसके लिए मेरे अनुसार 4500 किलोग्राम कैलोरी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, शर्करा मिठाई ब्रेड और केक में, केक से सब इसके विपुल स्रोत हैं। ये सब किसके स्रोत हैं, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की जरूरत इस पर निर्भर है। तो ऊर्जा की जरूरत किस पे निर्भर है दोस्तों, आयु पे कि लिंग पे। किस शारीरिक हलचल पे। तो दोस्तों, जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, हमारी आयु कितना है, लिंग क्या है, आप कितना कसरत या कितना काम करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपना जो डेली का भोजन होता है उसको रूटीन में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो जैसा कि वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के और जल में घुलनशील विटामिन है बी सी और एच। तो यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील है, डी भी वसा में घुलनशील है, ई भी वसा में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर बी जो विटामिन सी है वह वसा में घुलनशील नहीं है, यह जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट, हर घंटे 1 किलो शरीर के वजन के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक घंटे 1 किलो शरीर के वजन के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 1.3 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। दोस्तों, जितने भी विटामिन है ए बी सी डी ई के एच एंड जो बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो परिवार है, उन सभी के विटामिन के कौन कौन से रोग होते हैं और रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, इन सभी को ट्रिक के साथ मैं बताई हूं, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए।
नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या बाष्पन रोधी विटामिन कहा जाता है, और बीटी विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। इसकी कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है, नपुंसकता का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 4.1 कैलोरी यानी यहाँ पे 4.2 दिया, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है हर बार। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से लिपिड को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो रासायनिक रूप से लिपिड को वसा यानी फैट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वह विटामिन ए की कमी से होता है, इसको ग्रोथ विटामिन भी कहा जाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए विटामिन ए, जो हमारे आंखों को स्वस्थ रखता है। सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर में कितने परसेंट जल होता है, तो दोस्तों मानव शरीर में 70% जल होता है। कितना? 70% हमारे शरीर में जल होता है, ये कई बार रिपीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पे विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है, विटामिन सी, बी और सी और एच, जो 3 विटामिन है जल में घुलनशील है। उसके अलावा ए डी ई के जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस सिक्रेशन सिस्टम यानी कि स्रावी तंत्र से क्वेश्चन है आपका शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। दोस्तों यहाँ पे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत ग्रंथि। यदि पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो थायराइड ग्रंथि होगा। अब जब पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, जठर, ये तीनों की तीनों जो है आपकी ग्रंथि है, बट ब्रिक कोई ग्रंथि नहीं है। ये ब्रिक यानी कि जो किडनी होता है रक्त को छानने का, फिल्टर करने का काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है आपका यकृत। अगर यहाँ पे यकृत नहीं देता, त्वचा दिया रहता, तो त्वचा आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन की भंडारण हेतु उत्तरदायी कौन सा अंग है, तो जो ग्लाइकोजन कहाँ पे भंडार स्टोर होता है, तो लीवर में हमारे जो ग्लाइकोजन होता है स्टोर होता है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर रहता है। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो पुनः यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है, एंड जो वसा होता है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में एडिपोज टिश्यू के नीचे स्टोर होता है, जो हमारे शरीर की त्वचा को अच्छा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है, तो दोस्तों जैसे कि गुर्दे की ग्रंथि जो होती है वह होता है आपका एड्रिनल ग्रंथि, जबकि यहाँ पे गुर्दे की ग्रंथि यानी कि जो किडनी होती है उसके ऊपर जो है एड्रिनल ग्रंथि होती है, जिसे लो या उलो हार्मोन कहा जाता है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है टाइलिन, पेप्सिन, एट्रिलिन, ये तीनों के तीनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैंक्रियाज स्त्रावित करता है, यानी कि पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय क्या स्त्रावित करता है, तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है, जो जिसकी कमी होने पर हमारे शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाता, और हमारे रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज यानी मधुमेह कहा जाता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, कई बार रिपीट हो गया, यकृत ग्रंथि को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है।
नेक्स्ट है इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन कहां बनता है दोस्तों, पैंक्रियाज यानी अग्राशय में बनता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की मुख्य ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कौन सी है दोस्तों, तो ये मानव शरीर की मुख्य ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है, शर्करा यानी स्टार्च को कौन नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट को, तो यह होता है पैंक्रियाज ग्रंथि, इससे निकलने वाला इंसुलिन जो है वो शर्करा को नियंत्रित करता है, यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन का स्रावित होता है, तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती है उससे ग्लूकागन इंसुलिन आदि हार्मोन स्रावित होते हैं, तो यहां पे इंसुलिन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अग्नाशय, इंसुलिन या अग्नाशय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन है, तो ये आपका पिट्यूटरी है। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है कि खून का तरल भाग होता है, तो दोस्तों खून का जो तरल भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। जैसा कि दोस्तों जो रक्त है वो दो भागों में दो प्रकार के होते हैं, एक रक्त प्लाज्मा एक रक्त कणिका यानी ब्लड सेल्स। जो रक्त प्लाज्मा होता है पूरे रक्त का 55% भाग होता है, जो ब्लड सेल्स होता है रक्त कणिका होता है पूरे रक्त का 45% भाग होता है। रक्त प्लाज्मा में जो पानी होता है 90%, प्रोटीन होता है 8% एंड और सारे पदार्थ होते हैं, और प्लस प्लाज्मा में प्रोटीन जो रहता है आपका एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूमिन प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन पाया जाता है। और दोस्तों जो आपका रक्त कणिका होता है उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को लीकोसाइट और प्लेटलेट्स को प्रोथ्रोम्बिन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में बताई हूं, रक्त वाले ब्लड वाले वीडियोज को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रक्त क्या है, तो दोस्तों रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, क्या है एक तरल संयोजी ऊतक है, यहाँ पे द्रव ऊतक दिया है ठीक है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणों का जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, और इसमें प्रति क्यूबिक मिलीलीटर रक्त में 50 लाख यानी कि 5 मिलियन रक्त कणिकाएं होती है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 5 दिन होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, तो सबसे व्यस्त अंग होता है आपका हृदय, या जीवन प्रयत्न धड़कता रहता है रक्त को पंप करता रहता है। नेक्स्ट है श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन होती है, दोस्तों यह होता है आपका मोनोसाइट्स, जो बैक्टीरिया को भक्षण करने का काम करता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है, तो रक्त का थक्का जमने में विटामिन के संबंधित होता है। जैसा कि दोस्तों रक्त का थक्का जमाने में कौन कौन सहायता करता है इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें से कोई भी ऑप्शन पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के है रक्त का थक्का बनाने में सहायक, अगर खनिज लवणों में पूछेगा तो कैल्शियम जो है रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है, अगर रक्त कणिका में पूछेगा तो प्लेटलेट्स जो है, और जब प्लाज्मा यानी वाले प्रोटीन में पूछेगा तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है वह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों का निर्माण कहां पे होता है, तो यकृत यानी लीवर में होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, हीम प्लस ग्लोबिन एक यह प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन। अगर पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन से क्या तात्पर्य है, तो हीम से तात्पर्य है आयरन यानी लोहा और ग्लोबिन से तात्पर्य है प्रोटीन, तो हीम आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए दोनों टाइम, और अपने जो ऑथेंटिक बुक है उसको भी रिवाइज करते रहिए बार बार। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।